जा केजरीवाल की करता मेरे पंजाब का हाल, दिल्ली मॉडल बनाउंदिया बनाउंदिया ते पंजाब का बेड़ा गर्क करता। सूबे भर के अज पंजाब भाजपा वालों प्रदर्शन किए जा रहे हैं। भगवंत मान सरकार के खिलाफ जोड़े प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उन्होंने कहना कि सूबे के लॉ एंड ऑर्डर जरा है वो स्थिति चरमरा चुकी है, जिस करके वो अज पंजाब भाजपा वालों प्रदर्शन किए जा रहे। प्रदर्शन की तस्वीर तू अमृतसर तो साझिया कर रहे हैं, तुम वेख सकते हो कि भगवंत मान का पुतला जरा है अज भाजपा वालों फूकया जा रहा है। तो उस प्रदर्शन दस्वीर असं थोड़े साझिया कर रहे हैं, तुम वेख सकते हो कि भाजपा आगू जड़े ने वो अज इतने प्रोटेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने इको एक मंग है कि जो सूबे में बदलाव की गल की गई सी, अज बदलाव तो नहीं होया, उल्टा जरा है कानून व्यवस्था खराब हो गई है। साढ़े नाल गौतम अरोड़ा मौजूद ने, पंजाब बीजेपी के वड्डे आगू ने। गौतम जी की कहना चाहोगे, अज तुसी इत्थे प्रोटेस्ट कर रहे हो, की मकसद है जी इस प्रोटेस्ट करन दा? लोगों ने बदलाव की दृष्टि ने सरकार लियांदी सी, बट बदलाव यह आया कि सरे आम पंजाब च कतल हो रहे हैं। खासकर अमृतसर की गल करिए, तीन दिन च 3 कतल होए ने, जो कि बहुत शर्मनाक गल है। जेडे भगवंत मान सरकार यह गल करती सी कि कैनेडा तो लोग बाहरों लोग इतने आके बसन गए, लेकिन जेडे इतने लोग ने, मैं लगता वो भी बाहर की जवाहर को जान गए, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतने है वो बिल्कुल बेकाबू है। कारण की है, स्थिति क्यों नहीं समेटी जा रही? जो प्रदेश की सत्ता एक कॉमेडियन के हाथ दे देवे, एक नशे वाले भगवंत मान के हाथ दे देवे, तो असं उतो यही उम्मीद कर सकते हैं जो हो रहा है। तुसी की मांग करते हो? असी राष्ट्रपति जी तो गृह मंत्री अमित शाह जी को मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव के नाल पंजाब में राजपूत शासन लगाया जाए, क्योंकि इतने जी लॉ एंड ऑर्डर स्थिति है बिल्कुल खराब है। तो भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो पंजाब में अगे लगे जा सकती है। तो तस्वीर तुम दिखा रहे हैं, प्रदर्शन दी तस्वीर ने, तुम वेख सकते हो कि इतने जरा है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो उस भगवंत मान सरकार का जरा है अज पुतला फूकया जा रहा है, तो भाजपा आगू जिहड़े ने अज इत्थे प्रोटेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। तो तस्वीर च तुम वेख सकते हो कि किस तरीके इत्थे प्रदर्शन किया जा रहा है, तो भाजपा आगू इस प्रोटेस्ट को करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो भाजपा आगुओं वालों अमृतसर विखे एक वड्डा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, प्रोटेस्ट की तस्वीर असं थोड़े नाल साझियां कर रहे हैं। उसकी एक तस्वीर असं तुहानू साझी कर रहे हैं। तो तुम वेख सकते हो कि भाजपा वालों अज भरवां प्रदर्शन जरा इतने किया जा रहा है, तो भगवंत मान का पुतला फूकया गया है। तो पुतले की तस्वीर भी तुहानू साझी कर रहे हैं, किस तरीके अपना रोस जरा है भाजपा वालों जाहिर किया गया है। तो उसकी तस्वीर लगातार असं साझी कर रहे हैं। तो उस जड़े ने तुम वेख सकते हो कि किस तरीके इतने प्रोटेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। तो वो अज मंग की जा रही है कि पंजाब जो कानून व्यवस्था का हाल होया है उस भगवंत मान सरकार जिम्मेवार है, इस करके भगवंत मान सरकार बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो तस्वीर च लगातार तुम देख रहे हो कि अज इतने प्रोटेस्ट जे ने किए जा रहे हैं, तो पंजाब भाजपा वालों अज इतने प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीर तुम लगातार साझिया कर रहे हैं कि जे प्रदर्शन दी तस्वीर ने, तो इतने लोग जे प्रोटेस्ट करने वास्ते आए हैं। खा पंजाब भाजपा वालों प्रदर्शन किया जा रहा है, तो मंग एक ही है कि पंजाब दे विच राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। दरअसल तुम दसना चाहवागे, सूबे पिछले कुछ समय के कानून व्यवस्था गरमा गई सी, कानून व्यवस्था का बुरा हाल सी, जिस करके जिहड़ा है प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो असी अमृतसर विखे मौजूद हाँ कि अज पूरे पंजाब दे विच पंजाब भाजपा वालों प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो अमृतसर दे विच भी कुछ इस तरह देखने को मिल रहा है कि भाजपा आगू है सड़कों पर उतरन। एक बार फिर तुम असी प्रदर्शन दी तस्वीर साझिया कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन जारी है। पंजाब भाजपा कह रही है कि सूबे की स्थिति अज चिंतन योग है, जिस करके अज उन्होंने सड़कों पर उतरना पड़ा है। तो उस करके अज प्रोटेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। साढ़े नाल होर भी भाजपा आगू मौजूद ने, असं उन्होंने गलबात करांगे। सर की कहना चाहोगे, प्रदर्शन का की मकसद है जी? लॉ एंड ऑर्डर का इन्ना पंजाब दे विच बुरा हाल है, तुसीं वेखो कि सिर्फ एक दिन दे विच कल अमृतसर दे विच ही कल्या दे विच 4 वारदातां हो गईयां ने, मतलब कि लोग बेखौफ हो गए ने कि इन्ना क हो गया कि जेडे क्रिमिनल्स ने बेखौफ ने, तो जेडे अच्छे लोग ने जेडे अपना व्यापार कर रहे ने अपना काम कर रहे वो बेचारे घरों चो बाहर निकल तो डर रहे ने। वो कह रहे हैं, सरकार कह रही कि पर्सनल राइवलरी सी उन्हां दी, उस करके जरा है दरबार साहब जरा यात्रू जा रहा सी उहदा कतल होया, उहदे विच सरकार दा कोई रोल नहीं? तुसीं वेखो कि जिस आदमी नूं उन्होंने पैसे दिते, सिर्फ उस आदमी ने 3000 रुपया लैके कतल कर दिता, तुसीं वेखो ना इह करके वो जिस बंदे ने मर्डर किया वो बेखौफ गया, मतलब कि क्रिमिनल्स नूं कोई डर ही नहीं रह गया।
तुसी पूरे पंजाब दे विच रोज दी पता नहीं किन्नियां कि वारदातां हो रही जी। इसी जो आम आदमी पार्टी वालों नाल भी तर्क दिता जा रहा है कि अगर कोई वारदात हुई तो उसनू ट्रेस किया गया है। देखो जी गल ये चीज़ नहीं हैगी कि ट्रेस किया गया, जो तो बंदा ही मर गया, जो तो क्राइम ही हो गया वह आदमी क्या वापस आ जाएगा? तुसी आ पिछले दिनों के कितना क्राइम होया, क्या उन्होंने बच्चे जिहड़े हैगे वो वापस आ गए? ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, उन्होंने क्रिमिनल नूं डर होना चाहिए कि मैं ये वारदात ये काम करना ही नहीं है। पर कह रहे कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया जिस करके सानू है जी स्थिति झेलनी पै रही है। देखो जी हूँ ये पिछली सरकारों वाला काम हूँ नहीं चलना जी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक यहोजी चीज़ हैगी, ये पैसा नहीं लगना है, ये सिर्फ जी हैगी है इन्होंने काम करना है, इन्हों ऑफिसर ने काम करना है, इन्हों जो विल पावर नहीं हैगी, वो विल पावर नहीं हैगी इन्हों को जी इन चाहिए हैगी। अज क्रिमिनल जोड़े है वो बेखौफ घूम रहे हैं तो वो रुकना चाहिए जी। तस्वीरें तुम साझिया कर रहे हैं अमृतसर तो, नहीं देख सकते हो कि लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें तुम्हें दिखा रहे हैं कि किस तरीके इतने प्रदर्शन किया जा रहा है। तो हाल गेट के बाहर मौजूद है, हाल गेट भी तुम्हें दिखा रहे हैं, साढ़े नाल होर भाजपा आगू मौजूद ने। सर की कहना चाहोगे अज प्रदर्शन का की मकसद है? मैं भाजी कहना चाहना भी जो इस वेले जिहड़ा कहिंदा सीगा मैं दिल्ली का मॉडल बनावांगा, उस केजरीवाल नूं मैं दसना चाहना वा भी सानू पंजाब उहो जिहा चाहीदा वै जिहड़ा पंजाब पंज दरियावां दी धरती सी। सानू नशियां दा पंजाब नहीं चाहीदा, सानू क्राइम दा पंजाब नहीं चाहीदा, सानू खूनी पंजाब नहीं चाहीदा, सानू गुंडागर्दी दा पंजाब नहीं चाहीदा, सानू ड्रग्स दा पंजाब नहीं चाहीदा, सानू साफ ते सुथरा पंजाब चाहीदा। हाथ जोड़ के बेनती करदे आ जी उहो जिहा नहीं बना सकदे, शांति ते कायम कर दिओ, लोकां ने तुहानू वोटां पाईआं अपना बना के। ओए जा केजरीवाल की करता मेरे पंजाब दा हाल, दिल्ली मॉडल बनाउंदिआं बनाउंदिआं ते पंजाब दा बेड़ा गर्क करता। मैं बेनती करदा केजरीवाल साहब इह नत्थ पाओ इन्हां गुंडिआं नूं, इह नत्थ पाओ। तुसीं देख सकदे हो कि गुरु दी नगरी दे विच कल तीन जगह कतल होए ने ते तिन्नां दा अजे कोई सुराग नहीं मिलदा पिआ। इक जगह कतल होया उत्थे डेढ़ घंटा झगड़ा हुंदा रिहा, उत्थे पुलिस नहीं पहुंची डेढ़ घंटे बाद। जिहड़े दरबार साहब जिहड़ा बंदा जा रहा सी उहदी पत्नी ने मरवा सी, केस सॉल्व करता है। मैं कहा जी वो कहते रहे ना तुम तह तक जाओगे तो पता लगेगा अंदर की गल की सी। जो बब्बे वाला झगड़ा होया ना पहले जो कांग्रसी कौंसलर सीगा बेटा जिन्हें यह बंदा मारिया वो हुण आम आदमी पार्टी शामिल हो गया। मैं तुम्हें दसना चाहता भी जोड़ा बंदा बेचारा जिंकी डैथ हुई है जिदा जिंदे तीन बच्चे से तीन बच्चे वो घर जाके विलकते पेने रोते पेने, उन्हें सौ कुछ कहता पुलिस प्रशासन को कीतियाँ भी मैनू बचा लो इन्हों तो मेरी जान चल जानी जी। किसी ने बेचारे की बात नहीं पूछी, कल वह कतल हो गया। इस करके मैं फिर बेनती करना केजरीवाल साहब भगवंत मान साहब सानू गुंडागर्दी नहीं चाहिए, सानू साडा पंजाब दे दिओ, दिल्ली मॉडल नहीं चाहिए, सानू शांति वाला पंजाब ही दे दिओ। ऐसन भाजपा आगू जिन्हों वालों आज प्रोटेस्ट किया गया तो उन्होंने कहा गया है कि सानू दिल्ली मॉडल नहीं चाहिए, पंजाब अमन शांति होनी चाहिए है, तो इस करके जिहड़ा है असी इत्थे अज प्रोटेस्ट कर रहे हाँ। तो लगातार पंजाब भाजपा वालों प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो मांग की जा रही है कि पंजाब दे विच अमन शांति कायम रखी जा सके जिदे नाल कि पंजाब खुशहाल हो सके। सुमित खन्ना ग्रेट पंजाब टीवी अमृतसर।